आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और सॉफ्ट मैंगो केक। ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो सूजी केक। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी केक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ले रहे हैं 1 कप सूजी। सूजी हम हल्का बारीक वाला ले रहे हैं, आप मोटी या पतली कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप चीनी। आप चाहे तो अपने घर में यूज होने वाली कोई भी कटोरी से भी माप के ले सकते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। केक थोड़ा ज्यादा मीठा वाला ही अच्छा लगता है, इसलिए हम चीनी 1/2 कप लिए हैं। साथ ही हम इसमें 3 हरी वाली इलायची को छील के डाल देंगे। इलायची डालने से मैंगो केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो 3 से 4 हरी इलायची जरूर डालें। अब इसे पीस कर इसका फाइन बॉर्डर बना लेंगे। अब लेते हैं एक बाउल और पीसी हुई सूजी और चीनी को छन्नी से छान लेंगे ताकि उसमें कोई बड़ा दाना हो तो वो निकल जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के छन्नी से छान लेंगे। इस तरह से सूजी और चीनी को हम छान लेते हैं। इसी तरह से बाकी को भी छान लेते हैं। हमने पीसी हुई सूजी और चीनी को छन्नी से छान लिया है। अब फिर से उसी मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम ले रहे हैं 1 कप दूध। साथ ही दूध को उबालने के बाद जो मलाई बैठता है साथ ही हम उसे भी ले लिए हैं। अगर आपके पास मलाई हो तो आप उसे जरूर यूज कीजिएगा, इससे केक का टेस्ट बढ़ जाता है। साथ ही हम इसमें यूज कर रहे हैं 1/2 कप मैंगो। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अब पीसी हुई चीनी और सूजी के ऊपर ही हम दूध और आम का पल्प को भी छान लेंगे। अगर आम में रेसा हो तो वो निकल जाएगा। हम यहाँ पर एक मीडियम साइज के आम को छील के उसका पल्प निकाल के यूज किए हैं। अब इस तरह से हम इसे छान लेंगे। दूध हमें हल्का गर्म वाला यूज करना है जिससे कि सूजी बढ़िया से फूल जाएगा। अब हम इसे हटा देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सूजी को हमने लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए 5 मिनट तक मिक्स कर लिया है। यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के 1/2 घंटा के लिए रख देंगे जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगा। आधा घंटा हो गया है, हम सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी हमारा अच्छी तरह से फूल गया है, ये फूल के और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से गाढ़ा होने से केक अच्छा बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच टूटी फ्रूटी। ये मेरे घर के बनाए हुए टूटी फ्रूटी है, आप मेरे YouTube चैनल में इसका वीडियो देख सकते हैं। अब इसे 1/2 चम्मच गेहूं के आटे से अच्छी तरह से कोटिंग कर देते हैं। अब हम इसे बैटर में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसे आटे से कोटिंग करके मिक्स करने से ये बैटर में अच्छी तरह से चारों तरफ से फैल जाता है और हमें केक में हर बाइट में टूटी फ्रूटी मिलता है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कट किए हुए काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद का कुछ भी ले सकते हैं। और इसे भी एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ना हो तो आप 1 चम्मच इनो का भी यूज कर सकते हैं।
अब फिर से इसे लगातार चलाते हुए हम एक ही डायरेक्शन से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें सूजी का बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो केक अच्छी तरह से नहीं बन पाती है। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह से हमें बैटर को हल्का गाढ़ा ही रखना है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम सिर्फ 2 मिनट तक चला के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे 2 चम्मच मेल्ट की हुई घी। आप घी के जगह राइस ब्रान ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी आप दूध को डालने के समय पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब लेते हैं एक केक मोल्ड और उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को ब्रश की सहायता से चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा लेंगे। अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो आप स्टील या एल्युमिनियम का कोई भी बड़ा वाला कटोरा यूज़ कर सकते हैं। केक मोल्ड में बटर पेपर नहीं लगाने से भी केक आसानी से निकल जाता है। अगर आप कोई स्टील या एल्युमिनियम का बर्तन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बटर पेपर ज़रूर लगाइए, और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई सिंपल वाइट पेज में तेल या घी से अच्छी तरह से गार्निशिंग करके कटोरा के शेप में काट के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। केक मोल्ड में हमने अच्छी तरह से तेल लगा दिया है। अब केक मोल्ड के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से चारों तरफ से आटा छिड़क देते हैं। इस तरह से हल्का हल्का आटा से कोटिंग कर देने से आसानी से निकल जाता है। अब इसका एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल लेंगे। अब हम इसे तैयार करके रखे हुए सूजी वाला बैटर को डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथों से 2 बार टॉस कर लेते हैं जिससे कि बैटर केक मोल्ड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स या डाल सकते हैं। हमने 7 से 8 काजू और 7 से 8 बादाम का यूज़ किया है। इस तरह से फैलाते हुए हम डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। हमने इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसे बेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट पहले ही हमने गैस पर लो फ्लेम में एक कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। हमने इसमें 1 कटोरी नमक का यूज़ किया है। नमक को चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दिया है। नमक का कलर आपको हल्का ब्राउन लग रहा है क्योंकि हमने इस नमक में पहले ही कई बार बेक कर चुके हैं। अब हम इसमें लगा देंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई छोटी सी स्टील की कटोरी को पलटकर यूज कर सकते हैं। अब इसमें सावधानी से हम केक मोल्ड को रख देते हैं। अब इसे एक प्लेट से ढक देते हैं। हमें वही वाला कढ़ाई यूज़ करना है जिससे कि चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाए और भाप ना निकले। अब इसे लो फ्लेम में 30 से 40 मिनट के लिए पकाना है। केक को पकाते पकाते पूरा 35 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाव, केक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से केक के अंदर एक फॉर्क या कोई स्टिक या फिर चाकू डाल के देखना है। अगर ये केक के अंदर से पूरा क्लीन निकले तो केक हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अभी थोड़ा सा इसमें फॉर्क में लग रहा है तो इसे और 5 मिनट के लिए ढक के पकने देते हैं। 40 मिनट हो गया है, फिर से हम केक को चेक कर लेते हैं। फिर से इसमें फॉर्क डाल के चेक कर लेते हैं। फॉर्क हमारा पूरा क्लीन निकला, इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब केक को इस तरह से चिमटे और एक साइड कपड़े से अच्छी तरह से पकड़ के हम सावधानी से निकाल लेंगे क्योंकि केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। केक को निकाल के साइड में रख देते हैं और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आपका केक ना निकले तो आप चाकू से साइड से हल्का हल्का कट लगा सकते हैं। केक मोल्ड से केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। केक हमारा बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बना है। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। अब इसे कट करके देखते हैं। केक हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
ये आसानी से कट रहा है। आप भी मैंगो सूजी केक जरूर बनाइए, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। केक हमारा काफ़ी अच्छा बना है और इसमें अंदर तक एक-एक करके टूटी फ्रूटी मिलता है, जिससे कि खाने में और भी अच्छा लगता है। तो आपको हमारा आज की ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।